हमारे घर में जो बिजली आती है वो कहाँ से आती है सर? और हमारे घर में जो बिजली आती है वो एसी क्यों आती है, वो डीसी क्यों नहीं आती? ये जो सरकार है ये हमें एसी सप्लाई क्यों देती है सर, डीसी क्यों नहीं दे देती? ऐसी क्या खासियत है सर एसी में, और ऐसी क्या बुराई है डीसी में जो कि हमारे घर में डीसी देते ही नहीं है, लोग एसी एसी देते जाते हैं रोज रोज, ऐसा क्या होता है सर? तो बेटा इन सारे के सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए आइए, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फन विद फिजिक्स में। बेटा बहुत बढ़िया ढंग से कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ, अच्छे नोट्स बनाने, हमने बड़े ढंग से स्क्रीनशॉट लेते जाना है वीडियो का, क्योंकि आज की चर्चा होने वाली है बहुत ही खास और बहुत ज्यादा नॉर्मल लाइफ के ऊपर बेस्ड एक उपकरण के ऊपर। ऐसा क्या उपकरण है बेटा? इस उपकरण का नाम है, इस डिवाइस का नाम है ट्रांसफार्मर। क्या नाम है इसका? ट्रांसफार्मर। ओके बहुत बढ़िया, तो हेडिंग लगाएंगे कॉपी के अंदर अच्छे से लिखेंगे, क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसफार्मर। ओके ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर देखो नाम से थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है, ट्रांसफार्मर मतलब के ट्रांसफॉर्म करने वाला, ट्रांसफार्मर मतलब के ट्रांसफॉर्म करने वाला, बदल देने वाला। अच्छा याद है कि नहीं याद है, मूवी आई थी वो ट्रांसफार्मर यार, उसमें वो रोबो होता है वो गाड़ी बन जाता है, फिर एकदम से भाई रोबो बन जाता है, फिर गाड़ी बन जाता है, फिर रोबो बन जाता है, बदल जाता है ना, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सर ये ट्रांसफार्मर सर ये गाड़ी बन जाता है सर? अरे गाड़ी नहीं बन जाता है, ये कुछ और ट्रांसफॉर्म करता है, ये भी ट्रांसफॉर्म करता है पर ये कुछ और ट्रांसफॉर्म करता है। क्या ट्रांसफॉर्म करता है वो सुनो जरा ध्यान से देखो। तो ट्रांसफॉर्मर का जो काम है ना बेटा वो सुने जरा ध्यान से, इट ट्रांसफॉर्म्स द वोल्टेज सिग्नल, इट ट्रांसफॉर्म द वोल्टेज सिग्नल्स। अच्छा वोल्टेज सिग्नल को ट्रांसफॉर्म करता है सर, ट्रांसफॉर्म करने का क्या मतलब हुआ बेटा? लो वोल्टेज की हाई वोल्टेज बना देता है और हाई वोल्टेज की लो वोल्टेज बना देता है, ऐसे ट्रांसफॉर्म करता है। लो वोल्टेज का बना देता है हाई वोल्टेज और हाई वोल्टेज की बना देता है लो वोल्टेज, तो हो गया ना ट्रांसफॉर्मर। अरे यार ट्रांसफॉर्मेशन कराए कि नहीं करा? लो का हाई, हाँ का लो, भाई सब बढ़िया चल रहा है एकदम, होता है कि नहीं होता है? तो वही काम करता है ये। देखो क्या क्या काम करता है, देखो ये एक लो वोल्टेज की तो बना देता है हाई वोल्टेज, बहुत बढ़िया, और हाई वोल्टेज की बना देता है लो वोल्टेज। अच्छा ऐसे ऐसे काम करता है। तो एक ट्रांसफॉर्मर के बेटा दो काम हो गए है ना, एक ट्रांसफॉर्मर के कितने काम हो गए? दो काम हो गए, एक तो हाई वोल्टेज का लो वोल्टेज और एक लो वोल्टेज का हाई वोल्टेज। तो बेटा इन कामों को ध्यान में रखते हुए इसके दो नाम बोले गए, एक तो बोला गया ध्यान से देखो कि लो वोल्टेज का हाई वोल्टेज कर रहा है, क्या कर रहा है? लो वोल्टेज का हाई वोल्टेज मतलब बढ़ा रहा है, ऊपर ले जा रहा है, इसीलिए बोला गया स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। क्या बोला गया? स्टेप अप और ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर का मैं टी लिख रहा हूं तुम समझ जाना ठीक है, ट्रांसफॉर्मर को लिखे इतना बड़ा बड़ा बार बार है ना, ध्यान से देखो पेपर में मत करना ऐसे टी लिख के आ जाओ कहीं, तो हम सर ने बोला था टी लिख दो तुम समझ जाना, नीचे लिख दोगे मास्टर समझ जा, ऐसा नहीं करना है ठीक है। तो लो वोल्टेज का हाई वोल्टेज जिसने बनाया वो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, क्या बोला गया? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, और जो हाई वोल्टेज का लो वोल्टेज बना दे वो बोला गया स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, है ना, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ऊपर ले जाने वाला स्टेप अप और नीचे लाने वाला स्टेप डाउन। बहुत बढ़िया भाई, इतनी बात समझ आई सर हमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसका इस्तेमाल देखते हैं बेटा, कहां पर हमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करना है, कहां पर हमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करना है। अब मेरी बात सुनो जरा ध्यान से, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें, मजा आ जाएगा। ऐसा मान लो, जैसे मान लो ये जो वीडियो है मैं रेवाड़ी हरियाणा में मैं यहां पर ऐसे शूट कर रहा हूं मैं वीडियो ठीक है, और मेरे घर में जो बिजली आती है, मेरे घर में बिजली आती है राजस्थान साइड से ठीक है, बहुत अच्छा बोलूं तो कोटा साइड से बिजली आती है। अब कोटा में क्या है ना, कोटा में एक तो अपना थर्मल पावर प्लांट है, एक इसके अलावा न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, जानते हो ना न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां कहां पर है? बताओ बताओ, तारापुर, नरोरा, कोटा, कलपक्कम और कहां पर है, विशाखापट्टनम, है ना, पांच जगह पर अपने पास एरिया में, एक आध जगह पर और भी होगा मुझे यार नाम याद नहीं यार ठीक है, तो ये पांच तो मुझे याद है। तो बेसिकली कोटा में क्या होता है, कोटा में बिजली बनती है ना, कोटा में बिजली बनती है और फिर दिल्ली की साइड वो बिजली सारी सारी भेज दी जाती है, रास्ते में रेवाड़ी पड़ता है हम भी ले लेते हैं बिजली थोड़ी सी, ला भाई यहां भी दे दो। तो हमारे यहाँ जो बिजली होती है वो कहां से आती है? कोटा से आती है। अब रेवाड़ी और कोटा के बीच में भाई साहब दूरी है 500 किलोमीटर, कितनी है 500 किलोमीटर की दूरी है, मतलब 500 किलोमीटर दूर से साला बिजली इतनी दूर भेजते हैं वो लोग। हाँ भाई भेजते हैं। अच्छा कैसे आती है? हवा में उड़ के आती है कि आ रही हूं मैं? ऐसा थोड़ी होता है हवा में उड़ के भाई साहब, तारों में से तो आते बिजली। अरे कैसे आती है? तारों में से आती है। तुम ध्यान से देखो, तो जब तुम देखा होगा ना खेतों वेतों में से या बहुत कहीं रोड वोड पे से जो बिजली आ रही होती है ना, इतने मोटे मोटे तारों में बिजली आती है और नीचे लिखा होता है बड़ा बड़ा डेंजर, 4 केवी, 5 केवी, 10 केवी। 10 केवी का क्या मतलब है? 10,000 वोल्ट, केवी है ना किलो वोल्ट, मतलब कि 10,000 वोल्ट,
5 केवी मतलब क्या 5000 वोल्ट, और तुम्हारे घर में कितनी आती है 220। और ये क्या हुआ, घर पे आ रही आते आते तो भाई साहब मतलब कितनी कम हो गई, मतलब भेजी थी कितनी 4 केवी 5 केवी, घर पे आके 220, ये कैसे हुआ भाई साहब, ये कैसे हो गया, है ना। ये सारा का सारा काम बेटा कौन करता है, ट्रांसफार्मर करता है। कौन करता है, ट्रांसफार्मर। वापस आओ देखो चर्चा के ऊपर, तो बिजली को भेजना कितनी दूर है भाई, 500 किलोमीटर दूर बिजली को भेजना है। तो हुआ क्या, ध्यान से देखना एक बार, तो मुझे पता है कि भाई जो हीट होती है, हीट और गर्म होती है बाहर बहुत ज्यादा यार, जो हीट होती है, हीट क्या होती है, वो होती है आई स्क्वायर और साथ में आर और एक टी, है ना। वहां पर ये आई क्या है, करंट है, आर क्या है, रेजिस्टेंस है, और टी क्या है, टाइम। इसके अलावा जो हीट होती है वो ये भी तो होती है, वी आई टी, है ना। अरे आई इसमें से आई आर की जगह पे वी लिख लो, हाँ ना, तो बोल यार। पावर क्या होता है, पावर होता है वी इंटू आई, पावर क्या होता है वी इंटू आई। अब भाई मान लो कि मान लो 50 वाट बिजली पावर बन गई, कि मैं तो कहता हूँ 10 वाट मान ले बिजली बनी, तो 10 वाट बिजली बनी, इसी 10 वाट को मुझे घर पे भेजना है, मतलब 500 किलोमीटर दूर से भेजना है। मैंने कहा हाँ भाई बहुत बढ़िया। अच्छा ध्यान सोच, तू मुझे एक बात बता, तो ये पावर में तो दोनों का कंट्रीब्यूशन है ना, देख वोल्टेज का भी और करंट का भी, वोल्टेज का भी और करंट का भी। पर ध्यान से सोच, तो एक कॉम्बिनेशन तो देख ऐसा बन सकता है क्या, कि वोल्टेज इज इक्वल टू 2 वोल्ट और करंट इज इक्वल टू 5 एम्पियर। देख एक तो कॉम्बिनेशन ये बना, एक कॉम्बिनेशन देख ये बन सकता है, वोल्टेज इज इक्वल टू 5 वोल्ट और करंट इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तू मुझे एक बात बता, इन दोनों में से कौन सा कॉम्बिनेशन बढ़िया है, तू कैसे भेजना चाहेगा बिजली को, तू बता, ध्यान से देख ले एकदम, बताओ बताओ बताओ, कौन से भेजोगे, इससे भेजोगे दूसरे पहले वाले से भेजोगे। देख तू ध्यान से देख, अगर तू पहले वाले से अगर तू बिजली को भेजेगा ना, अगर तू पहले वाले कॉम्बिनेशन से अगर बिजली को भेजेगा, ध्यान से देख, तो हीट जो है ना वो करंट के स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है, अरे करंट के स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है। तो अगर तुमने करंट ज्यादा रखा, अगर तुमने करंट को ज्यादा रखा, तो भाई साहब हीट तो बहुत ज्यादा रास्ते में बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा यार, घर पे पहुंचते पहुंचते तो बहुत सारी एनर्जी तो लॉस हो चुकी होगी, जो गड़बड़ हो गई यार, मैं तो नहीं चाहता एनर्जी का लॉस हो। तो मैं क्या करता हूं बेटा, मैं एक ऐसा जुगाड़ में कुछ बनाना चाहता हूं कि वोल्टेज तो रहे ज्यादा, अरे वोल्टेज तो रहे ज्यादा और करंट रहे कम, करंट रहे कम, क्योंकि देख वोल्टेज से के तो सिंगल पावर से वेरिएशन है, तो अगर वोल्टेज ज्यादा भी हुई तो हाँ उतनी ज्यादा हीट नहीं जाएगी, पर अगर करंट ज्यादा हुआ तो भाई साहब तो मर जाएंगे हम, अरे हाँ ना तो बोल। तो बेटा क्या करा जाता है कि जहां पर बिजली बनाई जाती है वहां पर हमें कुछ इस तरह का उपकरण चाहिए कि जो वोल्टेज को बढ़ा दे, करंट को कम कर दे, और भाई साहब उस बढ़ी हुई वोल्टेज को आगे भेजा जाए। अच्छा तो वोल्टेज को बढ़ा दे, तो वोल्टेज को बढ़ाता कौन है, अरे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अच्छा इसका मतलब कि जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है वो हमें कहां इस्तेमाल करना है, जहां पर हमें वोल्टेज सिग्नल को बढ़ाना हो। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। देखो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, मुझे पता है क्या करता है, कि लो वोल्टेज का क्या बना देता है बेटा, हाई वोल्टेज बना देता है। क्या बना देता है, लो वोल्टेज का हाई वोल्टेज बना देता है। मैंने कहा ठीक भाई बहुत बढ़िया, और मुझे पावर स्टेशन पर वही तो करना है यार, लो वोल्टेज का हाई वोल्टेज बनाना है। तो बेसिकली स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहां पर इस्तेमाल करना है, पावर स्टेशन में इस्तेमाल करना है। कहां इस्तेमाल करना है, पावर स्टेशन में इस्तेमाल करना है। और उसका रीजन क्या है, क्योंकि जब मैं रस्ते में बिजली को भेजूंगा तो उससे हीट लॉस बहुत कम होगा, कब, जब वोल्टेज ज्यादा हो और करंट कम हो। तो हीट लॉस अगर बहुत कम होगा तो एनर्जी का लॉस बहुत कम होगा, भाई साहब बिल्कुल इफेक्टिवली आप एनर्जी का ट्रांसमिशन कर पाओगे, पक्की बात एकदम, सोच ले। अच्छा मेरी बात का जवाब दे, मान लो कि तुमने पावर स्टेशन से बिजली भेज दी, तुम्हारे गली के नुक्कड़ पर देखो ट्रांसफार्मर लगा होता है, वहां पर ऐसे एकदम लगा होता है, चार खंभों के बीच में लगाते हैं उसको, खेतों में भी देखा होगा तुमने लगा होता है। मुझे एक बात बता, आगे से आ रही है 4000 वोल्ट, तेरे घर में भेज दूं क्या सीधी, मजा आ जाएगा एकदम, भाई साहब सारे के सारे उपकरण भुग जाएंगे। मेरे घर में आ गई ना मान लो 4000 किलो 4000 वोल्ट आ गई, ये सामने कैमरा भाई साहब लाइट पंखा कूलर सब भुग जाएगा भाई साहब। तो मैं नहीं चाहता मेरे घर में वो 4000 वोल्ट आए। हाँ ठीक है तुमने आगे से भेज दी, ठीक कोई बात नहीं, तुमने एनर्जी का लॉस कम करना चाह रहा तुमने भेज दी, मैं थोड़ी मेरे घर में ले लूंगा उसको, मैं नहीं ले रहा भाई साहब। तो सरकार के लिए बड़ी दिक्कत हो गई कि यार ऐसे तो यार गड़बड़ हो जाएगी, लोगों के घर में थोड़ी भेज दी 4000 वोल्ट, तो मजे गड़बड़ हो गई यार, तो मजा नहीं आया एकदम। तो क्या करें बेटा, जो गली के नुक्कड़ पर जो आपके लगा होता है उसे कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। वो क्या काम करता है, वो जो 4000 वोल्ट आ रही है ना आगे से, उसको कम करके क्या कर देता है 220 वोल्ट कर देता है। क्या कर देता है 220 वोल्ट। तो 4000 वोल्ट का 220 वोल्ट कम कर दिया ना, तो मतलब कौन सा ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अरे कौन सा ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, बहुत बढ़िया भाई साहब। तो जो दूसरा है वो कौन सा है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ओके स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बहुत बढ़िया भाई। ये क्या काम करता है, ये हाई वोल्टेज का क्या बना देता है, लो वोल्टेज बना देता है। क्या कर देता है, हाई वोल्टेज का
लो वोल्टेज बना देता है। और कहां पर इस्तेमाल होता है, कहां पर इस्तेमाल होता है, एट द कॉर्नर्स ऑफ द लेन, मतलब गलियों के नुक्कड़ पर, एट द कॉर्नर्स ऑफ द लेन्स और इन डोमेस्टिक और इन डोमेस्टिक कॉम्प्लेक्सेस और इन डोमेस्टिक कॉम्प्लेक्सेस। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं तो एक ही बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लैट होते हैं तो उनका खुद का ट्रांसफार्मर लगा होता है, बिल्डिंग के अंदर ही वहीं लगा होता है ना, तो बाहर से आ रही होती 4,000-5,000 उसको कम करके क्या बना देता है 220 बना देता है और घरों में ऊपर फ्लैट में भेज देते हैं सब जगह, अपना काम हो जाता है। बात समझ आ गई ना, पक्की बात एकदम। अब देख मैं तुझे एक और डायग्राम बताता हूं, इसे बोलते हैं ट्रांसमिशन डायग्राम। क्या बोलते हैं इसे, ट्रांसमिशन डायग्राम। हालांकि सिलेबस का हिस्सा नहीं है पर इसे फील आ जाती है कि हाँ यार देख ऐसे काम होता है। ट्रांसमिशन डायग्राम देखो, जहां पर बिजली बनती है ना उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है पावर स्टेशन। क्या बोला जाता है इसको, पावर स्टेशन। भाई साहब ये पावर स्टेशन है, यहां पर बिजली बनी, अब क्या करूं बोल, वोल्टेज बढ़ाऊं कि कम करूं, वोल्टेज तो बढ़ानी है यार तभी तो आगे भेजूंगा उसको, है ना। तो मैंने क्या करा बेटा, मैंने यहां पर एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा दिया। मैंने क्या करा यहां पर, एक मैंने यहां पर एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा दिया। बहुत बढ़िया भाई, मैंने यहां पर क्या करा, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा दिया और फिर उससे क्या हुआ, वोल्टेज भाई साहब जबरदस्त छप्पर पारने को वोल्टेज हो रही है। और फिर वहां से मैंने क्या किया, वहां से मैंने इसको ऐसे ट्रांसमिट कर दिया, जहां पर आप भेजना चाहो वहां पर आप इसको ट्रांसमिट कर सकते हो, ठीक है। अब ये मेरे घर पर आ गई, अब तू मेरे को एक बात बता, ये 4000 किलो वोल्ट आ रही है या 5000 किलो वोल्ट आ रही है, ले लूं क्या घर में, ऐसे थोड़ी लूंगा भाई साहब, मेरे को अपने घर के उपकरण थोड़ी खराब करने हैं। तो क्या करूंगा, अब मैं इसको कम करूंगा, किसका इस्तेमाल करके कम करेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। किसका इस्तेमाल करेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और फिर क्या करेंगे, इसको यूजर को भेज दिया जाएगा कि लो भैया कर लो इस्तेमाल। अरे हाना तो बोलो यार, बात समझ आई कि नहीं आई। तो स्टेप अप कहां इस्तेमाल करना है, पावर स्टेशन पर, और स्टेप डाउन कहां इस्तेमाल करना है, मेरे एंड पर, मेरे घर पर क्या इस्तेमाल करना है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करना है। आई होप तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी यार, बहुत बड़े ढंग से, है ना। स्टेप अप क्या करता है, लो का हाई, स्टेप डाउन क्या करता है, हाई का लो। स्टेप अप कहां इस्तेमाल करना है, पावर स्टेशन पर, स्टेप डाउन का इस्तेमाल करना है मेरे घर के बाहर। अरे हाँ ना बोल दे यार, पक्की बात एकदम, सोच ले। चलो एक बार इसको बड़े ढंग से नोट करो, उसके बाद ये उपकरण कैसे काम करता है, क्या इसका प्रिंसिपल है, क्या वर्किंग है, कैसे बनाए, कैसे इस्तेमाल करें, सारी की सारी चर्चा करेंगे और बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल तुम्हें आज कराऊंगा इसके ऊपर, ताकि एकदम फील आ जाए ढंग से कि हाँ यार मुझे आता है यार, है ना। देखो आ जाओ, चलो इसको नोट करो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं तो कहता हूँ मेरे साथ स्क्रीनशॉट ले लो, फिर करना आगे। देखो बेटा सुनो, अब तो ये तो हमने जान लिया कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या काम करते हैं। एक स्टेप अप होता है, एक स्टेप डाउन होता है, जो लो का हाई कर दे स्टेप अप, जो हाई का लो कर दे वो स्टेप डाउन। पर काम कैसे करता है, क्या प्रिंसिपल है, कैसे बनाऊं, अब उसकी बात करते हैं, ठीक है। सुनो, तो सबसे पहले मैं आपके साथ बात करता हूं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, अच्छा भाई प्रिंसिपल क्या है, सुने ये सब आप पहले से जानते हो सर, पहले से जानते होते तो यहां थोड़ी आते सर पढ़ने के लिए। अच्छा ध्यान से देखो, तो ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या है, देखो सुनो बेटा, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये क्या होती है म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये बहुत बड़े रंग से तुम्हें पढ़ा चुका हूं, एक प्रॉपर वीडियो बनाई थी उसमें एकदम जीरो से लेकर और जेई एडवांस तक के सवाल तुमको करवाए थे यार म्यूचुअल इंडक्टेंस में, ठीक है। अगर नहीं देख करा रखी हो तो ऊपर लिंक दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, बहुत बढ़िया ढंग से उसको पढ़ाया हुआ है, अच्छे से देख कर आना भाई साहब, मजा आ जाएगा तुम्हें एकदम, ठीक है। बाकी इसको देखने के लिए, ट्रांसफार्मर पढ़ने के लिए उसकी जरूरत नहीं है, बट हाँ इनकेस अगर आप जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो उस वीडियो को देखना जरूर बनता है एकदम, ठीक है। चलो आ जाओ, तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस विच सेज दैट when the flux linked with a coil changes, then an induced EMF is produced in the nearby coil। ये क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या प्रिंसिपल है,
बड़े ढंग से समझा दूंगा, तो टेंशन मत ले, तू तो बस सुनता चल बहुत बड़े ढंग से, ठीक है। अब बेटा एक बार मेरी बात सुनो, अब एक और बात मैं आपके साथ करता हूं, उसे कहते हैं कंस्ट्रक्शन, कि बनाए कैसे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन सुनो इसके, देखो कैसे बनता है वो सुनो, देखो जरा ध्यान से देखो। तो कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, देखो सुने क्या करा हमने कंस्ट्रक्शन के नाम पे। बेटा मैंने क्या करा, मैंने एक ना लोहे का पतरा ले लिया, पतरा समझते हो, बिल्कुल लोहे का पतरा, मैंने कहा ऐसा पतरा ले लेते हैं लोहे का, ठीक है। मैंने कहा ये लोहे का पतरा है, पतरा समझते हो ना, बिल्कुल एकदम पतली शीट जैसा होता है जो, ऐसा ले लिया एक लोहे का, ठीक है। और उसमें क्या करा, उसमें मैंने इतना पोर्शन काट के निकाल दिया, उसमें मैंने क्या करा, इतना पोर्शन काट के ऐसे निकाल दिया। तो अब क्या बचा, देख अपने पास अब ये बचा, क्या बचा अपने पास, ये बचा, हाँ बहुत बढ़िया भाई, ये बचा अपने पास है ना, इस तरह से ये है एक लोहे का पतरा, ठीक है। इसे सॉफ्ट आयरन बोला गया, ठीक है, सॉफ्ट आयरन शीट है ये क्या है, सॉफ्ट आयरन शीट, चौक टूट गया, सॉफ्ट आयरन शीट। अच्छा भाई इसका क्या काम है, सारी चीज बताता हूं, तो टेंशन मत ले, ठीक है। ये क्या है, एक सॉफ्ट आयरन की शीट है, पतरा लिया उसमें से बीच में से ये काट के ऐसे निकाल दिया, तो यहां पे बस ये बचा है ना, ये क्या बन गया, सॉफ्ट आयरन की एक शीट बन गई। अब क्या करा हमने बेटा, इस शीट के ऊपर ना प्लास्टिक चढ़ा दिया ऊपर नीचे। सर ये सॉफ्ट आयरन फिर प्लास्टिक, तो सुनता चल मजा आएगा तुझे, देख ध्यान से देख। तो क्या करा, एक सॉफ्ट आयरन की शीट ले ली इस तरह की, और उसको ऊपर क्या कर दिया, ऊपर नीचे अपन ने प्लास्टिक चढ़ा दिया, ऊपर नीचे क्या कर दिया, प्लास्टिक चढ़ा दिया, और ऐसी बहुत सारी शीट बना ली, ऐसी क्या कर ली, बहुत सारी शीट बना ली, और उनको ऊपर नीचे रख दिया, उनको ऊपर नीचे रख दिया। तो एक देखो स्क्वायर जैसा सा बन गया ना, बॉक्स जैसा बन गया, नहीं बन गया, देखो कैसा बन जाएगा मैं तुम्हें बताता हूं, देखो जरा ध्यान से देखो। तो ये था अपने पास मान लीजिए एक पतरा, ऐसा उपज और ऐसा, देखो अच्छे से बनाएंगे मजा आएगा एकदम ढंग से भाई साहब, आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। देखो ऐसा बनाते हैं, थोड़ा अच्छा सा बनाते हैं, देखो अच्छा लगेगा तुम्हें, खुपच खुपच और ये खुपच और ये खुपच और ये खुपच, ओके, और ये खुपच और ये खुपच और ये खुपच। अब देखो क्या है, देखो बहुत मजा आने वाला है तुम्हें, देखो क्या था, देखो ऐसे बहुत सारे पत्रे थे ना, ऊपर नीचे रख दिया था उन पत्रों को ऐसे, है ना, ये वो पत्र देखो ऊपर नीचे रखे हुए, देखो ऐसे दिखेगा कुछ और दिखेगा, ये दिखेगा ना, देख थोड़ा फील आना चाहिए, देख बहुत बढ़िया भाई ऐसा दिखेगा, और देखो मजा आना चाहिए भाई साहब पढ़ते हुए, अच्छा डायग्राम बनाएंगे तो मजा आएगा, है ना। खुपाच बहुत बढ़िया भाई साहब, ऐसा बन जाएगा कुछ और बन जाएगा, यही बन जाएगा ना, ऐसा ही बनेगा। अब ध्यान से देखो, तो क्या किया भाई, बहुत सारे पत्र थे ऊपर नीचे, उनको ऐसे रख दिया, मैंने कहा ठीक भाई बहुत बढ़िया। फिर क्या करा बेटा, फिर क्या करा अपन ने, इसके ऊपर ना तार लपेट दी, देख यहां पर एक तार लपेट दी, देख ऐसे कैसे, ऐसे तार लपेट दी, ये घूम के यहां पर, 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 और ये घूम के बाहर, ठीक है, ये तार लपेट दी यहां पर, और यहां पर भी अपन ने ऐसे करा तार लपेट दी, कैसे तार लपेटी, देखो ऐसे तार लपेटी ऐसे, ये और ये घूम के यहां पर, और ये घूम के यहां पर, ये घूम के यहां पर, और ये घूम के यहां पर, और ये घूम के बाहर। आई होप तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी, है ना, एक तार ये री और एक तार ये री, बात समझ आई है ना, बहुत बढ़िया ढंग से सोच ले एकदम अच्छे से, बहुत बढ़िया, अच्छा भाई बहुत बढ़िया, तो ऐसे समझ आ गई। अब ध्यान से देखो बेटा, तो क्या करते हैं ना, इस वाली कॉइल को ना अपन क्या करते हैं, एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, क्या करते हैं, एसी सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, और यहां पर जो मिलती है ना हमें, वो होती है हमारी आउटपुट, यहां पर जो हमें मिलती है वो क्या होती है बेटा, हमारी आउटपुट होती है। मैंने कहा ठीक भाई बहुत बढ़िया। बेटा जिसको एसी से कनेक्ट किया जाता है इसे बोला जाता है प्राइमरी कॉइल, क्या बोला जाता है इसे, प्राइमरी कॉइल बोला जाता है, प्राइमरी कॉइल, अच्छा भाई बहुत बढ़िया। और जहां पर हम आउटपुट लेते हैं इसे बोला जाता है सेकेंडरी कॉइल, क्या बोला जाता है, सेकेंडरी कॉइल, अच्छा भाई बहुत बढ़िया। जहां पर आउटपुट मिलेगी वो सेकेंडरी कॉइल, जहां पर एसी से कनेक्ट होगा वो प्राइमरी कॉइल, मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई बात समझ आई। अच्छा बेटा और सुनो, जिसमें जो प्राइमरी जो कॉइल होती है उसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्न होते हैं उन्हें ऐसे एन पी से दिखाया जाता है, किससे दिखाया जाता है, कैपिटल एन इंटू पी, ये कैपिटल क्या है, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल, लिख देता हूं मैं यहां पर, कोई बात नहीं, देखो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, ओके
नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल। और जो यहां पर होता है इसको कहते हैं NS, क्या कहते हैं NS, और NS क्या है, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। तो इतनी बात मुझे समझ आ गई है ना, बस ये सिंपल चीज की कंस्ट्रक्शन है। क्या किया हमने, एक लोहे का पत्रा लिया, उसमें से बीच का काट के निकाल दिया, उसके ऊपर नीचे प्लास्टिक चढ़ा दिया और ऐसे बहुत सारों को ऊपर नीचे रख दिया, ऊपर नीचे रख दिया तो ये बना। उसमें एक तार, एक एंड पर तार लपेट दी, दूसरे एंड पर तार लपेट दी, एक तरफ से आउटपुट ले रहे हैं, एक तरफ से इनपुट। अरे सर ये क्या है, मतलब इससे क्या होगा, इसे क्या सिद्ध होता है? जो सिद्ध होता है वो तुझे बताता हूं, तू ध्यान से सुन। आई होप तुम्हें अभी तक ये कंस्ट्रक्शन समझ आ गई होगी। सर ये सॉफ्ट आयरन, सर ये सॉफ्ट आयरन क्यों लिया? बेटा सॉफ्ट आयरन लेने का भी एक रीजन होता है, वो भी बहुत बड़ा से तुम्हें पता चल जाएगा। तो ये जो बीच में है ना, इसको कहते हैं सॉफ्ट आयरन कोर। क्या कहते हैं इसे? सॉफ्ट आयरन कोर कहते हैं, कोर, कोर मतलब जो अंदर होता है, कोर सेंटर में जो होता है वो कोर है ना। देख कॉइल के बीच में जो है वो क्या है, कोर है। आई होप तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी अभी तक बहुत बड़े ढंग से। चलो एक बार इसको नोट करो बड़े ढंग से। अच्छा कंस्ट्रक्शन के बारे में क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन के रूप में ऐसे लिखेंगे कि वी टेक एन आयरन शीट, सॉफ्ट आयरन शीट है ना, एंड देन वी लेमिनेट इट, देन वी लेमिनेट इट एंड वी पुट देम टू मेक अ स्टैक, वी पुट देम टू मेक अ स्टैक। स्टैक मतलब ढेरी होती है, ऑर्डरली जो अरेंजमेंट होता है ना उसे स्टैक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे बेटा? स्टैक कहते हैं। एंड देन वी पुट ऑल द शीट्स टुगेदर टू मेक अ स्टैक एंड देन ऑन वन आर्म ऑफ द स्टैक, देन ऑन वन आर्म ऑफ द स्टैक अ कॉइल इज वाउंडेड विच इज कनेक्टेड टू द एसी सप्लाई, विच इज कनेक्टेड टू द एसी सप्लाई, सर था ना एसी सप्लाई, एंड दिस कॉइल इज नोन एज प्राइमरी कॉइल, दिस कॉइल इज नोन एज प्राइमरी कॉइल, एंड ऑन द सेकेंड आर्म वी वाउंड द सेकेंडरी कॉइल अलॉन्ग विच वी टेक द आउटपुट, अलॉन्ग विच वी टेक द आउटपुट, दिस कॉइल इज नोन एज सेकेंडरी कॉइल, दिस कॉइल इज नोन एज सेकेंडरी कॉइल, द नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी कॉइल आर डिनोटेड एज एन पी एंड द नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी कॉइल आर डिनोटेड एज एन एस। क्या बात समझ आ गई, इतनी सी बात थी कंस्ट्रक्शन के अंदर, और कुछ फालतू झमेला लिखने की कोई जरूरत नहीं, जो करा है वो लिख दो, बस जो करा है वो लिख दो, बात खत्म। आई होप तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी, लिखना है दो चार लाइनें कंस्ट्रक्शन में, कहीं ऐसे छोड़ के आ जाओ, लिख दोगे ना, चलो आ जाओ इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। आ जाओ बेटा देखो सुनो, तो अभी तक मैंने आपके साथ इसके कंस्ट्रक्शन की बात करी और इसके प्रिंसिपल की बात करी। प्रिंसिपल क्या था, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, कि अगर एक कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा तो दूसरी में क्या पैदा हो जाएगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाएगी, क्या पैदा हो जाएगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाएगी। ये था इसका प्रिंसिपल। और कंस्ट्रक्शन क्या थी, क्या इस तरह के पत्रे थे और उन लोहे के पत्रे थे, सॉफ्ट आयरन कोर थी है ना, और उन पत्रों को आपस में लेमिनेट किया और लेमिनेट करने के बाद ऊपर नीचे रख दिया तो ये बन गया है ना। अब ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, दिस इज द साइड व्यू ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, दिस इज द साइड व्यू ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, और ये है टॉप व्यू। जब आप साइड से देखोगे तो आपको एक एक पत्रा क्लियर नजर आता है, आता है कि नहीं आता, पर जब टॉप से देखोगे तो सिर्फ पहला पत्रा नजर आएगा और उसके पीछे वाला कुछ भी नजर आने वाला नहीं है, है ना। तो इसका इस्तेमाल करके एक्चुअली मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, इसलिए मैंने आपको ये टॉप व्यू यहां पर ऐसे दिखा दिया है, ठीक है बेटा। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसके वर्किंग की और इसके थ्योरी की बात करने वाले हैं, ठीक है, थ्योरी एंड वर्किंग, ओके थ्योरी एंड वर्किंग, ओके बहुत बढ़िया, देखते हो भाई काम कैसे करता है वो सुनो। देखो अब होगा क्या कि आपने इसे कनेक्ट कर रखा है कि एसी सप्लाई से, आपने कनेक्ट कर रखा है इसको एक एसी सप्लाई से, और एसी सप्लाई इन जनरल कैसी होती है, हमारे घर में जो आती है वो सिनुसॉइडल होती है, कैसी होती है, सिनुसॉइडल है ना। सिनुसॉइडल मतलब कि ऐसे करंट का वेरिएशन होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है कि नहीं यार, करंट देखो वेरी कर रहा है लगातार। अब मेरी बात सुनो, जब करंट वेरी कर रहा है तो ये कॉइल देखो ध्यान से, सोलेनोइड जैसी तो है यार, अरे क्या ये सोलेनोइड जैसी तो है, और सोलेनोइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। नहीं देख रहा है तो ऊपर लिंक दे दूंगा, नीचे भी लिंक दे दूंगा, देख कर आना, बहुत बढ़िया ढंग से समझा रखा है। सोलेनोइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बेटा वो कितना होता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, और आई इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो अगर आई चेंज कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी, हो मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है, हाँ जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर प्रोड्यूस होगा वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा होगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है इसका मतलब कि मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज कर रहा है। अब सुनो ध्यान से, वो फैराडे अंकल क्या कह के गए थे कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज करेगा तो दैट विल गिव राइज टू एन इंड्यूस्ड ईएमएफ, ई इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बी बाय डी टी, मतलब के इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस इज माइनस टाइम्स ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, बोल के गए थे कि नहीं गए थे, ई इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बी बाय डी टी, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होगा तो दैट विल गिव राइज टू व्हाट, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अरे हाँ ना तो बोल यार,
बात समझ आई है कि नहीं आई है? तो होगा क्या कि जैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज करेगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होगा तो एक इंड्यूस ईएमएफ पैदा होनी चाहिए, है ना? मतलब यहाँ पर क्या होनी चाहिए? एक इंड्यूस ईएमएफ पैदा होनी चाहिए। अब बात आती है बेटा इस सॉफ्ट आयरन की, ये सॉफ्ट आयरन का पत्थर क्यों इस्तेमाल किया? बेटा ध्यान से देखो तो होगा क्या कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए, है ना? ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, है ना? अब देखो होगा क्या कि मैग्नेटिक फील्ड को तो बाहर निकल जाना चाहिए ना, यहां से सीधा तो जाएगा एकदम। अरे हाँ ना, तो बोल कैसा जाएगा, एकदम सीधा जाएगा। पर बेटा इस सॉफ्ट आयरन की वजह से, सॉफ्ट आयरन क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड को बाहर एस्केप आउट होने नहीं देता, बाहर निकलने नहीं देता। मैग्नेटिक फील्ड सारा का सारा अंदर रहता है, रिटेन रहता है अंदर। मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहता है? अंदर रिटेन रहता है। तो बेसिकली फिर सारा का सारा जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये घूम के बेटा यहां से पास करता है ना, इस वाली कॉइल से पास करता है, ये गया ये गया ये गया, घूम गया यहां से, है ना? जितना भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो सारा का सारा घूम के यहां से पास कर जाएगा, है ना? बाहर कुछ भी मैग्नेटिक फ्लक्स जाने वाला नहीं है, इसीलिए सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? सॉफ्ट आयरन का। सॉफ्ट आयरन जो होता है बेटा वो एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। कैसा मटेरियल होता है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो भी होते हैं उनकी जो परमिएबिलिटी होती है बहुत हाई होती है। परमिएबिलिटी कैसी होती है बेटा? बहुत हाई होती है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड को बाहर एस्केप आउट होने नहीं देगा, सारा मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही रहेगा, सारा मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही रहेगा। बेटा जानते हो आज ऐसे ट्रांसफार्मर भी हम बना चुके हैं जो 99.9999% एफिशिएंट है। तुम ध्यान से देखो तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स का अगर लॉस हो गया तो यहां पर सारा फ्लक्स तो पहुंचेगा नहीं, तो यहां पर इंड्यूस ईएमएफ जो होगी वो उस हिसाब से होगी नहीं, तो गड़बड़ जाएगा मामला, है ना? और जो आइडियल जो ट्रांसफार्मर हम लोग मान के चल रहे हैं, हम लोग ये मानेंगे कि जितना फ्लक्स यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है उतना सारा का सारा फ्लक्स यहाँ पर पहुंच रहा है, भाई साहब बीच में कोई लॉस नहीं। हालांकि लॉस होता है डेली लाइफ में, जब हम देखते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में लॉस होता है, पर यहाँ पर कोई लॉस नहीं है ना। ध्यान से देखो तो जो भी फ्लक्स यहाँ पर पैदा हुआ वो सारा का सारा फ्लक्स यहाँ पर पहुंच गया। अरे हाँ ना, तो बोल जो भी फ्लक्स यहाँ पर पैदा हुआ वो सारा का सारा फ्लक्स यहाँ पर पहुंच गया। और फ्लक्स कॉन्स्टेंट है कि चेंज हो रहा है? अरे चेंज हो रहा है, तो मतलब कि इस वाली कॉइल में भी फ्लक्स चेंज हो रहा है। अरे जो पास वाली कॉइल है इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है, और इसमें फ्लक्स अगर चेंज होगा तो यहां पर बेटा एक इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो जाएगी, उसे बोला जाएगा ईएस। यस, ये क्या होता है? द ईएमएफ प्रोड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल। ये थी ना सेकेंडरी कॉइल, ये थी ना प्राइमरी कॉइल। तो अगर प्राइमरी कॉइल में अगर फ्लक्स चेंज कर रहा है तो सेकेंडरी कॉइल में क्या पैदा हो रही है? इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो रही है। क्या पैदा हो रही है? इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो रही है। और यही तो होती है म्यूचुअल इंडक्टेंस। अरे यही तो होती है म्यूचुअल इंडक्टेंस। आई होप तुम्हें अब ये बात समझ आ गई होगी यार, पक्की बात एकदम। क्या समझ आ गया होगा? इसका वर्किंग समझ आ गया होगा। अब बात करेंगे इसके थ्योरी की, बात करेंगे किसकी बात करेंगे? थ्योरी की। अब मेरी बात सुनो जरा ध्यान से देखो। तो मैंने बोला कि चलो मान लो कि फाई बी द, देखो ध्यान सुनो, मैंने बोला कि लेट फाई बी द फ्लक्स पासिंग थ्रू वन कॉइल, थ्रू वन टर्न बोल देता हूं, थ्रू वन टर्न, ठीक है? मैंने बोला कि मान लो इसके एक टर्न में से जितना फ्लक्स पास हो रहा है ना वो फाई है, तो वही फाई घूम के कहां गया? यहां आ गया। अरे हाँ ना, तो बोल यहां से फाई निकला और वो फाई घूम के यहां आ गया। एक टर्न की बात कर रहा हूं। अच्छा अगर मैं टोटल की बात करूं तो टोटल फ्लक्स लिखता, तो ध्यान से देख, टोटल फ्लक्स फाई टी, क्या लिखा? टोटल फ्लक्स फाई टी इन प्राइमरी कॉइल। अब ध्यान से देख बेटा, तो प्राइमरी कॉइल के एक टर्न में जो फ्लक्स है वो है फाई, नंबर ऑफ टर्न्स है एनपी, तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया? टोटल फ्लक्स हो गया फाई इंटू एनपी। क्या हो गया? फाई इंटू एनपी। उसी प्रकार से टोटल फ्लक्स फाई टी। अच्छा ये प्राइमरी का था ना, तो यहां पे मैं टीपी लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? टीपी। और यहां पर मैं लिख देता हूं टीएस, है ना? टोटल फ्लक्स फाई टीएस इन सेकेंडरी कॉइल। ये क्या होने वाला है? फाई इंटू एनएस, है ना? टोटल तो यही होने वाला है। अब मेरी बात सुनो, देखो जरा ध्यान से। तो टोटल फ्लक्स इन प्राइमरी कॉइल कितना है? फाई इंटू एनपी। उसी प्रकार से टोटल फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल कितना है? फाई इंटू एनएस। अब मैं तो ये बोलता हूं कि दोनों को ना डिफरेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दोनों को डिफरेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो क्या मिलने वाला है, ये मिल जाएगा डी फाई और टीपी और डिवाइड बाय डीटी इज इक्वल टू, देखो नंबर ऑफ टर्न तो कॉन्स्टेंट है ना, तो उसको तो आप बाहर ले लो, और अंदर क्या बनेगा? ये बन जाएगा डी फाई बाय डीटी।
ये क्या बन जाएगा डी फाइव बाय डी टी। उसी प्रकार से ये देखो ये क्या बन जाएगा डी फाइव टी एस डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल टू, देखो एन एस तो बाहर आया और ये क्या हो गया डी फाइव बाय डी टी। अब देखो फैराडेज लॉ ने क्या बोला, फैराडे लॉ ने ये बोला कि इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इक्वल टू माइनस टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल फ्लक्स। यही बोला कुछ और बोला, यही बोला ना कि माइनस टाइम्स ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल फ्लक्स। तो ये टोटल फ्लक्स में चेंज किसमें है, प्राइमरी कॉइल में। तो ये क्या बन जाएगा ध्यान से देखते, ये बन जाएगा माइनस टाइम्स, माइनस क्यों, क्योंकि देखिए माइनस को इस तरफ लेकर आ जाओ तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ किसमें है, ध्यान से देख प्राइमरी में, किसमें प्राइमरी में इज इक्वल टू क्या आया ये आया एनपी टाइम्स डी फाइव बाय डी टी। इसी तरह से ये क्या हो गया, ये हो गया माइनस टाइम्स ई एस द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू एन एस और डी फाइव बाय डी टी। इसको दो नंबर डाल दो, इसको एक नंबर डाल दो और ऐसा बोलो कि डिवाइड सेकेंड बाय फर्स्ट। क्या करा मैंने, डिवाइड सेकेंड बाय फर्स्ट, ठीक है, सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दिया। तो ध्यान से देख क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा देख ध्यान सुन, ये बन जाएगा ई एस डिवाइडेड बाय ई पी विल बी इक्वल टू एन एस डिवाइडेड बाय एन पी। अरे हाँ ना, तो बोलो यही बनेगा कुछ और बनेगा, है ना, यही बन जाएगा ना बेटा। ये वो फॉर्मूला है जिसके ऊपर आपसे सवाल पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। इन तीनों में से, इन चारों में से कोई तीन चीज आपको देगा और चौथी चीज आपको बतानी पड़ेगी, है ना बेटा। ध्यान से देखो और ये देखो, ये जो एन एस बाय एन पी है ना, इसको बोला जाता है कभी कभी के, ठीक है। और ये के क्या होता है, दिस के इज द ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, दिस के इज द ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। अभी बात करूंगा इसकी, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें करेंगे, अभी हम खत्म नहीं हुई चर्चा, अभी अभी तो चर्चा शुरू हुई है, मजा आएगा अभी तो, है ना। तुम एक काम करो, इसको बहुत बढ़िया ढंग से नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। करो जरा एक बार, देखो बेटा आ जाओ सुनो, अब चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। क्या बताया मैंने अभी तक आपको, अभी तक मैंने ये बताया कि जो रिलेशन आया था ई एस बाय ई पी इज इक्वल टू एन एस बाय एन पी, ठीक है। और मैंने तुम्हें ये भी बताया कि जो एन एस बाय एन पी जो है ना, इसको बोला जाता है के, क्या बोला जाता है इसे, के बोला जाता है। और ये के होता क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है, क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है, बहुत बढ़िया। अब बेटा अगर मैं एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर की आपके साथ बात करूं, किसकी बात करूं, फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर, फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर, जो आइडियल ट्रांसफॉर्मर होता है ना बेटा, उसमें पावर का लॉस नहीं होता, उसमें पावर का लॉस नहीं होता। जितनी इनपुट पावर आप दे रहे हो ना, आपको आउटपुट पावर उतनी ही मिलती है, ठीक है। जितनी इनपुट पावर आप दे रहे हो उतनी ही आपको आउटपुट पावर मिलती है, इनपुट पावर इज इक्वल टू पावर आउटपुट। पर जानते हो असलियत में ऐसा नहीं होता, ये जो आइडियल कंडीशन है ना, ये असलियत में अचीवेबल नहीं होती। हाँ 99.99% तक हमने अचीव कर ली, पर फिर भी थोड़े बहुत लॉसेस हो जाते हैं, पावर जो आउटपुट में हमें मिलती है ना वो उतनी नहीं होती। तो सर कहां जाती है, बेटा ध्यान से देख, तो तू सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल कर रहा है, मैं तेरी बात मान गया, जो यहां पर फ्लक्स पैदा हुआ सारा का सारा यहां पहुंचेगा, पर ऐसा तो नहीं है कि 100% पहुंचेगा, थोड़ा बहुत फ्लक्स तो लॉस करेगा, उसको बोला जाता है फ्लक्स लॉस। क्या बोला जाता है उसको, फ्लक्स लॉस। अब फ्लक्स लॉस की वजह से यहां पर पावर आपस में ड्रॉप कर सकती है। अच्छा एक और चीज होती है जिसको बोला जाता है कॉपर लॉस, क्या बोला जाता है कॉपर लॉस। अब कॉपर लॉस क्या होता है भाई, ये जो वायर है आपने किसकी बनाई है, कॉपर की बनाई है। हाँ ये बात मैं मानता हूं कि कॉपर बहुत बढ़िया कंडक्टर होता है, पर थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस तो होता होगा यार, अरे थोड़ा ही सही, तू सही सही पर होता तो है। अब थोड़ा बहुत भी अगर रेजिस्टेंस हुआ तो क्या हीट डेवलप हो जाएगी क्या, अब हीट के फॉर्म में जो वहां पर जो एनर्जी है वो बाहर निकल सकती है, तो उसे बोला जाता है कॉपर लॉस। क्या बोला जाता है, कॉपर लॉस। क्या मेरी बात समझ आ गई, पक्की बात एकदम। अच्छा थोड़ी बहुत जो एनर्जी है ना वो साउंड के फॉर्म में भी खराब होती है। सर साउंड के फॉर्म में कैसे, ट्रांसफॉर्मर के पास जाके देखना तो मैं वो आवाज आती सुनाई देगी, चिंग ऐसे आवाज आती है, चर्र ना उस चूर के फॉर्म में भाई साहब बहुत सारी एनर्जी हमारे वहां पर वेस्ट हो रही है। तो एक तो ये वेस्टेज हो गया। अच्छा एक और बढ़िया बात देखो ध्यान से, सर आपने ये सर बहुत सारे पत्रे जोड़ के सर आपने ये बनाया, अब सर एक बड़े मेटल के पीस में से सर ये काट के निकाल लेते हैं ऐसा। बेटा उसका रीजन था कि मैंने क्या करा, मैंने अलग अलग पत्रे लगा और पत्रे को भी आपस में लेमिनेट करा। क्यों, क्योंकि मैं वहां पर चाहता था कि एडी करंट का जो लॉस है ना वो मैं बहुत कम करना चाहता था, जो कोर लॉस है ना, कोर लॉस को कम करना चाहता था। ये क्या होता है सर, बेटा ध्यान से सुन, तो होता क्या है ना कि हमें पता है कि फैराडे लॉ ने क्या बोला कि अगर फ्लक्स अगर चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाएगी।
और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना उसकी वजह से पैदा होता है एक इंड्यूस्ड करंट। क्या पैदा होता है? एक इंड्यूस्ड करंट। इस इंड्यूस्ड करंट को एडी करंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एडी करंट। अब एडी करंट कहां होता है बेटा? ये कोर के अंदर पैदा होता है। कहां पैदा होता है? कोर के अंदर। अब तो ध्यान से देख, अगर कोर बहुत मोटी होती मान लो, है ना, अगर ये एक ही पीस होता मान लो, तो भाई साहब छल्ला कैसा बनता करंट का? करंट का छल्ला बनता ऐसा, करंट का छल्ला ऐसा, इतना बड़ा छल्ला बनता करंट का। इंड्यूस करंट का जो छल्ला है वो इतना बड़ा बनता। तो इंड्यूस करंट अगर ज्यादा होता तो भाई साहब हीट भी बहुत ज्यादा हो जाती। अरे हीट भी बहुत ज्यादा हो जाती तो अपना नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता। इसलिए मैंने क्या करा, मैंने ऐसे छोटे छोटे पत्रे लगाए भाई साहब। उन पत्रों से क्या होता है कि करंट के जो छल्ले बनते हैं ना, करंट के जो छल्ले बनते हैं वो छल्ले बहुत बहुत ज्यादा बारीक बनते हैं, बहुत छोटे बनते हैं। जो एडी करंट के जो छल्ले होते हैं ना वो बहुत छोटे 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 बनते हैं, तो उनकी वजह से अपना हीट लॉस बहुत कम हो जाता है ना। इसीलिए पत्रा लगाया भाई साहब, पत्रा लगा के उसको लैमिनेट भी कर दिया ताकि आपस में उनका कोई जुड़ाव ना हो। भाई साहब जो बड़े बड़े छल्ले हैं ना करंट के, ये अपने ना बने, नहीं तो भाई साहब प्राण निकल जाने थे। एकदम बड़ा ज्यादा एकदम गर्मी पैदा कर देता है। पता चलता कि ट्रांसफार्मर लगाया भाई साहब, आसपास का एनवायरनमेंट मस्त हीटअप हो रखा है। ऐसा मैं कुछ भी चाहता नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि जितनी पावर मेरे को दे रखा हूं मैं इनपुट में, उतनी ज्यादा मेरे को आउटपुट में मिलनी चाहिए। पावर का लॉस मैं चाहता नहीं। तो ये कुछ एनर्जी लॉसेस थे, कुछ पावर लॉसेस थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे। परंतु आइडियल केस में जो इनपुट पावर होती है और जो आउटपुट पावर होती है वो दोनों बराबर होती है। अरे कैसी होती है? बराबर होती है। इसका मतलब क्या? इनपुट पावर मतलब के ईपी इंटू आईपी। अरे प्राइमरी तो है इनपुट, उसमें जो इंड्यूस ईएमएफ पैदा हुई इंटू उसका करंट, पावर इज इक्वल टू वीआई। अरे हाना तो बोल, ये क्या है अपनी इनपुट पावर, ये क्या है बेटा अपनी इनपुट पावर, एंड दैट शुड बी इक्वल टू आउटपुट पावर, दैट शुड बी इक्वल टू आईएस, ईएस इंटू आईएस, दैट शुड बी इक्वल टू आउटपुट पावर। क्या मेरी बात समझ आ गई? पक्की बात एकदम। अब ध्यान से देख, बहुत मजा आएगा। देख ES by EP, देखो इस तरफ अरेंज करो इसको, तो ES by EP is equal to क्या आया देख, IP by IS। आई होप तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी यार, है ना। तो देखो रिलेशन अपने पास क्या बना, रिलेशन ये बना देख, ES by EP is equal to NS by NP is equal to IP by IS। ये रिलेशन है मेरे पास, आई होप तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी। अब मेरी बात सुन, देख अगर मैं चाहता हूं कि मेरे को जो आउटपुट में जो वोल्टेज है वो इनपुट में वोल्टेज से ज्यादा मिले, अगर मैं चाहता हूं आउटपुट वोल्टेज ज्यादा हो किससे, इनपुट वोल्टेज से, तो ध्यान सुन, ईएस को ज्यादा रखना है ईपी से, तो मतलब को एनएस से, एनएस को ज्यादा होना पड़ेगा एनपी से। ओके बहुत बढ़िया, मतलब के फोर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या देखा मैंने कि एनएस को ग्रेटर देन होना पड़ेगा एनपी से, या फिर आईपी को ग्रेटर देन होना पड़ेगा आईएस से, या फिर के को ग्रेटर देन होना पड़ेगा वन से। देख एक ही बात है ना, है ना। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर अगर आप बनाना चाहते हो तो आप सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दो, प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स को कम कर दो, तो जो बनेगा वो क्या होगा, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होगा। क्या होगा वो? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होगा। उसी तरह से अगर बेटा आपको स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बनाना हो, क्या बनाना हो, अगर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बनाना हो, ध्यान से सुनो, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, अच्छा सुन देख ध्यान से देख, तो स्टेप डाउन अगर बनाना है इसका मतलब आप चाहते हो कि ईएस कम हो और ईपी ज्यादा हो। अगर ईपी को ज्यादा होना है तो ध्यान से देख, तो एनपी को एनएस से ज्यादा होना पड़ेगा। एनपी अगर बड़ा हो गया, एनएस अगर कम हो गया, देखो रेशियो वन से कम हो गया ना, और रेशियो वन से कम होते ईपी कम हो गया ईएस से, इसका मतलब कि बेटा आईएस को ज्यादा होना पड़ेगा आईपी से, आईएस को ज्यादा होना पड़ेगा आईपी से, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को कम होना पड़ेगा वन से। अरे हाना तो बोल, तभी तो ये कंडीशन पॉसिबल है। तो मतलब कि अगर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बनाना हो तो प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दीजिए और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स को कम कर दीजिए। बात समझ आई है कि नहीं आई है यार? पक्की ये सवाल पूछा जाता है भाई साहब, जेई मेंस में सवाल पूछे गए, नीट में ये सवाल बोले गए, है ना, कि बताओ अपने को मेरे घर के पास एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, बताओ उसमें आईपी ज्यादा कि आईएस ज्यादा, बताओ उसमें एनएस ज्यादा कि एनपी ज्यादा, बताओ के वन से कम कि वन से ज्यादा, ये सवाल पूछा गया है ना। बोला गया कि पावर स्टेशन पर एक ट्रांसफार्मर लगा गया है, बोला वहां पर बताओ कि एनएस ज्यादा कि एनपी ज्यादा, बोला जाएगा वहां पर एनएस ज्यादा कि एनपी ज्यादा, या तो आईएस ज्यादा कि आईपी ज्यादा, या तो के बोला वन से कम के वन से कम ज्यादा, ये सब बताना है। अरे हाना तो बोल दे यार, आई होप इस तरह के सवाल तुम कर सकते हो यार, है ना, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसके अलावा दो चार चीजें मैं और डिस्कस करता हूँ तुम्हारे साथ, और फिर अपन थोड़ी सी करेंगे न्यूमेरिकल इसके ऊपर, ठीक है। चलो एक बार इसको नोट करो और फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है, करो। देखो बेटा आ जाओ सुनो, तो एक और बढ़िया सी बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर के बारे में, जिसे बोला जाता है एफिशिएंसी। क्या बोला जाता है इसे?
एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर, बेटा एफिशिएंसी जो होती है ना उसे ऐसे ईटा से दिखाया जाता है, कैसे दिखाया जाता है, ईटा से ने बना के एन बना के और एन बना के एक टांग नीचे खींच देना, ठीक है, ये क्या हो जाएगी एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर, आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर, आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर। अच्छा आउटपुट पावर माने क्या, देखो आउटपुट पावर माने क्या, ES इंटू आई एस डिवाइड बाय ईपी इंटू आईपी। अरे सेकेंडरी कॉइल जो है वही तो आउटपुट मिल रही है वहीं पर तो, और जो प्राइमरी कॉइल है वहीं पर तो अपन इनपुट देते हैं, तो ES इंटू आई एस डिवाइड बाई ईपी इंटू आईपी, ये हो जाएगी अपनी एफिशियंसी, ये हो जाएगी अपनी एफिशियंसी। और उसी तरह से अगर आपसे कोई पूछ ले कि परसेंटेज एफिशियंसी बताओ, क्या बताओ, परसेंटेज एफिशियंसी बताओ, क्या बताओ, परसेंटेज एफिशियंसी, तो क्या करें, परसेंटेज एफिशियंसी ये लो, ये परसेंटेज एफिशियंसी क्या हो जाएगी, देखो ES इंटू आई एस डिवाइड बाय ईपी इंटू आईपी और मल्टीप्लाइड बाय 100, मल्टीप्लाइड बाय 100, ये क्या आ जाएगी अपनी परसेंटेज एफिशिएंसी आ जाएगी। लो आ जाओ देखो अब कुछ सवाल कराता हूं तुम्हें बढ़िया बढ़िया से, देखो तुम्हें आनंद आना चाहिए एकदम, देखो बहुत बड़ी ढंग से आसान आसान सवाल होते हैं ट्रांसफॉर्मर के, मुश्किल सवाल बिल्कुल नहीं होते। देखो दो सवाल मैंने तुम्हें बताई कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशो कैसा होना चाहिए, किसमें नंबर ऑफ टर्न ज्यादा किसमें कम, किसमें करंट ज्यादा किसमें कम, इस तरह के सवाल बहुत ज्यादा पूछे गए यार, और ये सवाल तुम्हें करने आने चाहिए। और देखो देखो और आसान आसान सवाल पूछता हूं मैं, देखो मैंने बोला कि एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर, एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर इज वर्किंग एट एन इनपुट सप्लाई, एट एन इनपुट सप्लाई ऑफ 2200 वोल्ट, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे मैंने तुम्हें वीडियो के शुरू में भी बताया था कि क्यों एसी करंट का ही अपने घर में इस्तेमाल होता है, क्यों सरकार अपने घर में एसी करंट ही बेचती है, डीसी करंट क्यों नहीं बेचती, भाई अगर डीसी करंट होगा तो वहां पर फ्लक्स का चेंज ही नहीं होगा, तुम याद करो प्राइमरी कॉइल में जब फ्लक्स चेंज करता था ना तब सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स चेंज करता था, उससे ईएमएफ पैदा होती थी। तो अगर डीसी करंट का इस्तेमाल करेंगे तो फ्लक्स का चेंज तो होगा ही नहीं, और फ्लक्स अगर चेंज नहीं होगा तो प्राइमरी में आउटपुट में सेकेंडरी में आउटपुट में क्या मिलेगा, बाबा जी का टुल्लू, अरे हाँ ना तो बोलो, इसीलिए किसका इस्तेमाल करा जाता है, एसी करंट का इस्तेमाल किया जाता है ना कि डीसी का। बात समझ आई है कि नहीं आई यार, अरे हाँ ना तो बोल दे यार, पक्की बात एकदम, आ जाओ देखो ध्यान से देखो। तो बोला गया एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर इज वर्किंग एट एन इनपुट सप्लाई ऑफ 2200 वोल्ट, और क्या बोला गया, इट इज हैविंग, इट इज हैविंग 3000 टर्न्स, 3000 टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, इन प्राइमरी कॉइल, फाइंड आउट द नंबर ऑफ टर्न्स, फाइंड आउट द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, इन सेकेंडरी कॉइल इफ इफ इट हैज टू स्टेप डाउन द वोल्टेज, इट हैज टू स्टेप डाउन द वोल्टेज टू 220 वोल्ट। चलो भाई गलत नहीं करना एकदम भाई साहब, कोई बच्चा गलत नहीं करेगा, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, एक मिनट का सवाल है भाई साहब, जल्दी कर दो। चलो नीचे कमेंट करके आंसर भी बताना सर, हमारा आंसर इतना आ रहा है ताकि मैं समझ जाऊं, चलो जल्दी करो। मेरे सामने वाली खिड़की हुआ ना, देखो जरा ध्यान से देखो, तुम्हें ये बताया गया था ना क्या, कि ES by EP is equal to NS by NP, ठीक है। बोल रहे हैं कि सेकेंडरी वोल्टेज जो है ना वो अपने पास कितनी 220 वोल्ट, क्योंकि स्टेप डाउन करके कहां लाना है, 220 वोल्ट के ऊपर लाना है, तो ये हो गई अपनी सेकेंडरी वोल्टेज। अच्छा भाई तो ये हो गया 220, और प्राइमरी में कितना है, बोला गया 2200 वोल्ट है, कितना है 2200 वोल्ट है। अच्छा नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल ये तो मुझसे पूछा है ना, और नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल वो तो दे रखा है, कितना है 3000, कितना है 3000। अब तू ध्यान से देख, देख 1 10 0 5, तो एनएस कितना आया, ध्यान से देख नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी कॉइल कितना होना चाहिए, 300 टर्न्स, कितना होना चाहिए 300 टर्न्स। आई होप तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी यार, है ना, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, तुम इसको नोट करो, उसके बाद एक थोड़ा अच्छा सवाल मैं तुमसे कराता हूँ, ठीक है,
कर लो एक बार जरा नोटिस को। आ रहे हो बेटा, देखो सुनो, एक बढ़िया सा सवाल करते हैं, उसके बाद फिर आज की चर्चा को यहीं पे स्टॉप करेंगे, ठीक है? देखो सुनो, सवाल क्या बोला गया, सवाल बोला गया कि ट्रांसफार्मर हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 80%। एक ट्रांसफार्मर है, इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 80%। मतलब कि आइडियल नहीं है ये। आइडियल में क्या था, आइडियल में क्या होता था, इनपुट पावर आउटपुट पावर दोनों बराबर होती थी, इसमें बराबर नहीं है, 80% है बस, ठीक है? अब फिर क्या बोला, बोला कि इट वर्क्स एट 4 kW, मतलब कि इनपुट पावर दे रखी है kW, किलोवाट मतलब इनपुट पावर दे रखी है, एंड 100 volt मतलब कि इनपुट वोल्टेज भी दे रखी है ना, इनपुट मतलब कि कौन सी, प्राइमरी वाली है ना। फिर क्या बोला कि इट हैज अ सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ 240 volt। अच्छा बोलो, स्टेप अप है क्या स्टेप डाउन है? अरे स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, देख इनपुट कैसा है, देख 100 volt, और आउटपुट कैसा है 240 volt, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, पर एफिशिएंसी 80% ही है बस, पावर का लॉस बहुत ज्यादा है ना। फिर क्या बोला कि फाइंड आउट द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी करंट, मतलब कि प्राइमरी कॉइल में कितना करंट है और सेकेंडरी कॉइल में कितना करंट है ये बताना है। चलो वीडियो को स्टॉप करो एक बार और खुद से ट्राई करो, देखिए जरा कितने बच्चे कर पाते हैं, ठीक है? करो भाई जल्दी करो। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, करो तुमने, अरे कराए कि नहीं कराए, कर लिया ना, कमेंट करो नीचे आंसर एक बार, फिर आगे बढ़ना, ठीक है? करो एक बार जरा और कमेंट करो नीचे आंसर, फिर आगे बढ़ना, ठीक है? चलो आ जाओ, देखो सुनो, तो क्या बोला कि ट्रांसफार्मर है जिसकी एफिशिएंसी है 80%, फिर बोला कि इनपुट पावर उसकी दे रखी है और इनपुट वोल्टेज दे रखी है। तो देख अगर मुझे ये पता चल जाए तो मुझे इनपुट करंट तो देखो यही पता चल गया है कि नहीं, इनपुट करंट तो देखो मुझे यही पता चल गया, कैसे कि भाई जो इनपुट पावर होगी वो क्या होगी, देखो इनपुट वोल्टेज और इनटू इनपुट करंट, इनपुट करंट मतलब कौन सा, प्राइमरी करंट, तो जो प्राइमरी करंट है वो है पावर इनपुट बाय वोल्टेज इनपुट, और पावर इनपुट कितना है वो है 4000 खुपाच खुपाच खुपाच, और पावर इनपुट वोल्टेज कितनी इनपुट ये है 100 खुपाच खुपाच, तो ये आ गया 40 एम्पियर, कितना 40 एम्पियर। प्राइमरी कॉइल में जो करंट आया वो 40 एम्पियर, 40 एम्पियर बहुत ज्यादा होता है भाई साहब, 40 एम्पियर का करंट आया। फिर बोला देखो ध्यान से देखो, अब देखो स्टेटमेंट को फिर पढ़ते हैं, बोला एफिशिएंसी इज 80%, इसका मतलब क्या है, देख सुन, इसका मतलब ये है कि एफिशिएंसी मतलब के आउटपुट पावर, मतलब के ईपी इंटू आईपी, आउटपुट पावर, आउटपुट पावर मतलब ईएस इंटू आईएस, ईएस इंटू आईएस, अच्छा भाई, और डिवाइड बाय इनपुट पावर, इनपुट पावर मतलब ईपी इंटू आईपी और इंटू 100, अरे हाँ ना, तो बोल इज व्हाट, इज 80%। अच्छा देख ध्यान से देख, तो 80% है ना, तो इसको इस तरह से लिखते हैं, देखो जरा सुनो, 80/100 ऐसे लिखा जाएगा ना, अगर 80% है तो एफिशिएंसी कितनी लिखी गई, 80/100, नॉर्मल सी बात है। अच्छा बहुत बढ़िया, तो ये कितना आया, ये आया था 20 और ये 5, तो ये आया 4/5 है ना, 20 से कितना जाएगा, 20 चौके 80, 20 25 100, तो 4/5। मुझे क्या निकालना है, मुझे एक और क्या निकालना है, सेकेंडरी करंट निकालना है, क्या निकालना है, सेकेंडरी करंट, तो IS विल बी इक्वल टू व्हाट, ये आ जाएगा 4 EP IP, ये तो इनपुट पावर ही है, ये तो क्या है इनपुट पावर, माने कितनी, देखिए दे रखी 4000 वोल्ट है ना, अरे हाँ ना, तो बोल 4000 वाट है ना। अब नीचे देखो, नीचे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 और इनटू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा E into S, बस हो गया काम। देखो यहां पर आ जाओ, देखो तो ये आया 4 इनटू कितना आया 4000 और डिवाइड बाय 5 और इनटू 240, जीलो ने जीलो को माल दिया, देखो 4 × 4, 4 × 6 = 24 और कितना आया, देखो 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 ये आया 5 × 5, 5 × 8 = 40 और 0, अरे हाँ ना, तो बोल, तो भाई साहब IS कितना आ गया, IS आ गया 40/3, IS आ गया 40/3, माने कितना आया 13.3 एम्पियर, कितना आया 13.3 एम्पियर। इतना सिंपल सा सवाल तुमसे पूछा जाता है, IS पूछा जाता है, IP पूछा जाता है, नंबर ऑफ टर्न पूछ लेगा, प्राइमरी में बताओ, सेकेंडरी में बताओ, बेसिकली चार चीजें देखे, तीन चीजें तुमसे पूछेगा, अब वो चार चीज सीधी भी दे सकता है, घुमा के भी दे सकता है, उतना अपने को करना आना चाहिए, बिल्कुल बेसिक सी बात। आई होप तुम्हें सारी बातें अभी तक की समझ आई होगी यार, यहाँ तक आयो तो समझ तो भाई साहब सारा का सारा आया है, और समझ आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ठीक है? और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि आपके दोस्त भी बड़े ढंग से तैयारी कर पाए, ठीक है? आज की चर्चा को यहीं पे वाइंड अप करते हैं बेटा, फिर मिलेंगे अपन लोग अगली वीडियो में, ठीक है? चलो बाय बाय, टाटा।